कुशीनगर के फाजिल नगर लिए चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव पहुंचे हुए चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये बात हक और सम्मान नहीं मिला, उनको सम्मान दिलाने का काम हम दोनों लोग मिलकर के करेंगे। वैसे तो हमारे लिए वोट मांग के आए हैं। आपको पता होगा तीसरे चरण में हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे लिए वोट मांग करके आए हैं। और इनका समाज और हर पिछड़ा दलित ऐसा इकट्ठा हुआ मैंने कभी नहीं देखा था। हो सकता है करहल की जीत सबसे बड़ी जीत हो, लेकिन मैं सबसे बड़ी जीत से नहीं जीतना चाहता हूं। वो जीते सबसे बड़ी जीत जिसके लिए मैं वोट मांगने आया। बताओ फाजिल नगर के लोगों, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? गिन लो वोट आप अपनी उंगलियों पर, बताओ कितने वोटों से जिता सकते हो आप? पीछे तो नहीं रह जाओगे? बताओ पीछे तो नहीं रह जाओगे? अगर जितना कह रहे हो, हाँ ये बात कही, अरे बीजेपी वालों की जमानत नहीं जब्त की तो क्या जिताया आपने? और इनके नेताओं को आपने नहीं देखा कैसे वोट मांग रहे हैं बीजेपी के नेता? एक नेता तो दंडवत हो गया, जनता से माफी मांग रहा है। एक नेता कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है, और आपने वो भी देख लिया होगा, एक नेता वोट के चक्कर में तेल मालिश कर रहा है। बताओ ये बीजेपी की हालत हो गई, ये डबल इंजन की हालत हो गई। ये डबल इंजन की हालत इसलिए हुई है क्योंकि जनता समझ गई है, इसीलिए इनकी झूठ की पटरियों को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ खड़ी हुई है। बताओ इनसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? ये बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके भाषण सुनो, छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताओ किसान भाइयों आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? और जब खाद की बोरी मिली थी आपको, डीएपी की बोरी, और खाद की बोरी जब लाए होगे तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये सरकार में आ गए तो हो सकता है 10 किलो की चोरी कर लें। कभी कभी मैं सोचता हूं ये बोरी की चोरी कहां से सीखी इन्होंने। कभी बाजार में जाना और जानकारी करना कि पार्ले जी का बिस्किट पहले कितना बड़ा आता था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनी ने कहा उन्हें मुनाफा पूरा करना है, तो वैसे वैसे आपने देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट छोटा होता चला गया। बताओ छोटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए सावधान रहना, ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो बोरी की चोरी 10 किलो हो जाएगी। ये तो कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? पानी के जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? बंदरगाह बेच दिया कि नहीं बेच दिया? रेलगाड़ी बेच दी और रेलवे स्टेशन भी बेचने जा रहे हैं। तो
कुशीनगर के फासल नगर से संबोधित कर रहे हैं अखिलेश यादव, जहां से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, और निशाना साध रहे हैं महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर। एक तरफ छठे चरण का चुनाव प्रचार चल रहा है तो दूसरी तरफ पांचवें चरण का मतदान आज चल रहा है।